कोरोना से देश दुनिया की जंग की हर तस्वीर हर खबर लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहली खबर दिल्ली से। जी हां, यहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके मुताबिक हालात बेकाबू तो नहीं लेकिन चिंताजनक जरूर हो गए हैं, इसलिए दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें इसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली में शनिवार को कुल 736 टेस्ट किए गए थे, इसमें से 25% लोग यानी कि 186 मामले कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से एक भी मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए। सीएम केजरीवाल के मुताबिक इनमें से एक शख्स दिल्ली के सरकारी फूड सेंटर में काम कर रहा था, इसके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच की तैयारी अब है। केजरीवाल के मुताबिक अगर मामले से ही बढ़े तो मरीजों को संभालने के लिए अस्पताल, आईसीयू और वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे, इसीलिए किसी भी तरह की ढील नहीं दे सकते। क्या है कोरोना विदेशों से, अपने देश में तो था नहीं। जितने विदेशों से लोग आए सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में आए, तो सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। मरकज के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसका भी सबसे ज्यादा मार दिल्ली को बर्दाश्त करनी पड़ी। हम भी ढिलाई देना चाहते हैं लेकिन ढिलाई देना बड़ा आसान है, और ढिलाई दे दी और स्थिति बहुत खराब हो गई, और उसके बाद अगर आईसीयू कम पड़ गए और अस्पताल के बेड कम पड़ गए और वेंटिलेटर कम पड़ गए और ऑक्सीजन कम पड़ गई और पता नहीं कितनी अगर जाने चली गई, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। अपने दिल्ली वासियों की जिंदगी का ख्याल रखते हुए, सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए कि फिलहाल लॉकडाउन की शर्तों में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई, उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले, यानी कि 25% लोग कोरोना के मरीज निकले। 186 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। और अरविंद केजरीवाल ने एक और खास बात कही, वो ये कि दिल्ली में नए मामले उन्हीं जगहों से सामने आ रहे हैं जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने जहांगीरपुरी के मामले का उदाहरण दिया जहां एक गली के 26 लोग पॉजिटिव निकले हैं। ये सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं और अलग अलग मकान होने के बावजूद ये लोग मिलजुल कर रह रहे थे। उदाहरण दिया जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे मामे ताए ताया चाचा ये सब, उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन में कई नए केस निकल के आए हैं।